संसदीय मत विस्तार उम्मीदवारी पत्रों की चकासणी करवामां आवी हती, जेमांथी 35 उम्मीदवारी पत्रों मांथी 33 उपर निर्णय लेवामां आव्यो हतो। गत रोज 25 नवसारी संसदीय मत विस्तार विभाग माटे कुल 24 नामांकन रजू कराया हता, जेमा नवसारी बैठक उपर 12 एप्रिल थी 19 एप्रिल दरमियान कुल 35 उम्मेदवारी पत्रों भराया छे, जेमा नवसारी जिल्लामां अपक्ष उम्मीदवार द्वारा 6 तो गुजरात पक्षना उम्मीदवार द्वारा 1, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5, सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा 6, बहुजन समाज मुक्ति पार्टी द्वारा 1 अने अखिल भारतीय सेना द्वारा 1, तो लोक पार्टी द्वारा 1 अने गरीब कल्याण पक्ष द्वारा 1, स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी द्वारा 2 उम्मीदवारी पत्र भरी जमा करवामां आव्या हता। आज रोज 25 नवसारी लोकसभा बैठक पर फॉर्म चकासणी हाथ धरवामां आवी हती, जेमां 35 उम्मेदवारी पत्रोमांथी 33 उम्मेदवारों पर निर्णय लेवायो छे। 2 उम्मेदवारी पत्रों सामे वांधो उठावामां आवता दस्तावेज मंगावामां आव्या छे। 33 उम्मेदवारी पत्रोमांथी 7 उम्मेदवारी पत्रों रद्द थया छे, तो नवसारी लोकसभा बैठक में 18 उम्मेदवारोना 26 उम्मेदवारी पत्र मंजूर थया छे, જ્યારે આજે નિર્ણય લીધા બાદ નવસારી લોકસભા બેઠકનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે। લોકસભા ઇલેક્શન 24 મે 25 નવસારી સંસદીય વિસ્તાર મે ટોટલ જિલ્લે મે કલ તક આરઓ સીટ પે 35 ટોટલ ફોર્મ હમ લોગો કો મિલે થે, ઉસમે સે 33 પે ડિસિઝન હો ગયા હૈ, 2 પે ઓબ્જેક્શન આયે થે, उस ऑब्जेक्शन सेटिस्फाई करने के लिए 3 बजे तक का समय दिया गया है, उसके बाद 2 फॉर्म्स पे डिसीजन होगा। टोटल बाकी के 33 फॉर्म में से 7 नामंजूर अमान्य रहे हैं, 26 मान्य रहे हैं। इन 26 फॉर्म में से कैंडिडेट देखे जाए तो वो 18 आते हैं। ये बाकी के 2 पेंडिंग फॉर्म पे समय के हिसाब से जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं या जो भी कुछ पुरावे हमारे सामने आते हैं उसके हिसाब से डिसीजन लिया।